बालूतरा पुलिस ने पचपदरा रोड स्थित एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 4 युवतियों व 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा पूर्व में भी इस स्पा सेंटर पर दबिश दी गई थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। बालूतरा कस्बे में नाकोड़ा रोड, पचपदरा रोड, मेगा हाईवे, बाईपास सर्किल के पास सहित कई जगह स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। बालूतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। बालूतरा पुलिस ने मंगलवार को पचपदरा रोड स्थित एक मसाज पार्लर एवं स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 4 युवतियों एवं 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मंगलवार को पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बालूतरा पुलिस द्वारा पूर्व में भी स्पा सेंटर पर दबिश दी गई थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। बालूतरा कस्बे में नाकोड़ा रोड, पचपदरा रोड, मेगा हाईवे, बाईपास सर्किल पर कई जगहों पर स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। इन जगहों पर अनैतिक गतिविधियों को लेकर बालूतरा पुलिस को कई मरतबा शिकायतें मिलती रही है। पुलिस द्वारा कई बार इन पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन कभी गिरफ्तारियां नहीं हुई। ऐसे में मंगलवार को हुई कार्रवाई में से अन्य स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया। कार्रवाई में 4 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर बालूतरा वृत्ताधिकारी सुभाष चंद्र खोजा ने बताया कि अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने की शिकायतों पर कार्रवाई की गई। इन सेंटरों की काफी शिकायतें मिली है। हिरासत में ली गई सभी युवतियां बाहरी राज्य की है। तीनों युवक स्थानीय नागरिक हैं। ये स्पा सेंटर के यार्ड में अनैतिक कार्य करते हुए 4 महिलाएं और 3 पुरुषों को हिरासत में लिया है। ये स्पा सेंटर रिलैक्स स्पा सेंटर के नाम से पचपदरा रोड बालूतरा में संचालित हो रहा था। 4 महिलाएं हैं वो सारी बार की है, 3 पुरुष है जो वो स्थानीय है, और आगे के इनको हिरासत में ले लिया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। सर, बालूतरा में बताया जा रहा है कि ऐसे एक दो और भी स्पा सेंटर्स हैं, क्या उनकी भी नियमित चेकिंग हो रही है? और इस सेंटर के खिलाफ पहले भी एक बार एक्शन लिया गया था, तो अभी क्या इस चीज मामले में आप स्ट्रिक्टनेस होंगे? और स्पा सेंटर संचालित नहीं हो रहे हैं, हमारी टीम बिल्कुल डेली मॉनिटर कर रही है, चेक भी कर रही है। पहले इसकी शिकायत आई थी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे जाने से पहले ये वहाँ से निकल गए थे। आज प्रॉपर तरीके से पुलिस, हमारी टीम ने प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की, इसलिए ये सारे लोग पकड़ में आए। बहरहाल बालूतरा पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद अन्य जगहों पर चल रहे स्पा सेंटरों में हड़कंप मच रहा नजर आया।